नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। संजू पर ऐसे ट्रॉल हो रहे हैं हिरानी, यूजर्स ने बताया 3 घंटे का पीआर। संजय दत्त की बायोपिक संजू एक और जहां 4 दिन में 145 करोड़ रुपए कमा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे एक तबका संजय की इमेज सुधारने के लिए बनाई गई फिल्म बता रहा है। सोशल मीडिया पर संजू के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को ट्रोल करने वालों के तर्क है कि फिल्म में संजय दत्त को लिहाज से निर्दोष बताया गया है, उनकी इमेज साफ की गई है। एक यूजर ने लिखा है, संजू को एक दोस्त ने ड्रग्स की लत लगाई, महिलाओं के साथ रिलेशन के लिए महिलाएं जिम्मेदार और गन रखने के लिए हिंदुओं द्वारा धमकी। एक अन्य ट्वीट में लिखा है, ये 3 घंटे का पीआर है जिसे फिल्म के रूप में चलाया गया है। संजू पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने लिखा, इस फिल्म का नाम माय नेम इज संजू एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट होना था। वही किसी यूजर ने लिखा, राजकुमार हिरानी अगली बार दाऊद को भी हीरो बना दीजिए। ट्रोलर्स कुछ भी कहे, लेकिन चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर संजू की कमाई 145 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्म ने शुक्रवार को 34 करोड़ की कमाई कर ली थी, जबकि शनिवार को संजू की कमाई का आंकड़ा 38 पार कर चुका था। रणबीर कपूर की संजू ने बिना किसी हॉलिडे और वीकेंड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म होने का रिकॉर्ड बना लिया है। यही नहीं, फिल्म में परेश रावल, अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर सहित विकी कौशल की एक्टिंग को लाजवाब माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर संजू का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।